सलमान खान की पहली फिल्म जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया और हम सबको डबल एंटरटेनमेंट का डोज दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म जुड़वा की। और क्या कुछ इसका बजट था, क्या कुछ कलेक्शन किया था इस फिल्म ने, आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाइन। 7 फरवरी 1997 में आई थी फिल्म और डेविड धवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया था इस फिल्म को, क्योंकि इस फिल्म में कंप्लीट, ये कहीं ना कहीं ये फिल्म कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था। इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, हर चीज था। और जैसे कि हम सब जानते हैं, इस फिल्म में सलमान खान का डबल रोल था और किस तरीके से दो भाई जो जुड़वा होते हैं वो बिछ, लेकिन कहीं ना कहीं से वो कनेक्टेड रहते हैं फिजिकली। जैसे एक्शन करते हैं तो एक और दूसरा भी वही एक्शन करता है, कैसे एक थोड़ा गुंडा टाइप होता है और बिंदास टाइप का होता है, डरता नहीं, और दूसरी तरफ एक सलमान खान का जो कैरेक्टर जो डरता है, इनोसेंट होता है, बहुत सिविलाइज्ड होता है, तो ये कैरेक्टर हमें देखने मिलता है फिल्म के अंदर। और साथ ही साथ करिश्मा कपूर, रामबा और इस फिल्म के अंदर कादर खान होते हैं और हमारे शक्ति कपूर होते हैं, साथ ही साथ अमरीश पुरी होते हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं कंप्लीट एंटरटेनमेंट, और प्लस इस फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हिट थे और अभी तक इनफैक्ट हिट हैं, हम अभी भी सुनते हैं वो सारे फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं हम सुनते हैं। तो इस फिल्म की कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि ओरिजिनली इस फिल्म का जो टाइटल है वो रखा जा रहा था जन्मभूमि, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है, इनफैक्ट आप सबको भी लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जन्मभूमि इस फिल्म के साथ मैच नहीं कर रहा, ये टाइटल जा नहीं रहा। तो आई गेस इसी के चलते उन्होंने इस फिल्म के कैरेक्टर, मतलब इस फिल्म का टाइटल जुड़वा रख दिया। और ये पहली फिल्म थी जहाँ पे डेविड धवन और सलमान खान साथ में आए थे, और सलमान खान ने पहली बार डेविड धवन की फिल्म में काम किया था। हम जैसे कि जानते हैं पहले डेविड धवन गोविंदा को अक्सर अपनी फिल्मों में ले रहे थे उस टाइम पे, फिर उसके बाद जब उन्होंने जुड़वा से स्टार्ट किया, बहुत सारी आगे फिल्में उन्होंने साथ में बनाई थी। और तो और ये जो फिल्म है जुड़वा, ये तेलुगु फिल्म जो नागार्जुन है, जो साउथ के कहीं ना कहीं सुपरस्टार माने जाते हैं, तो उनकी फिल्म की रीमेक है तेलुगु फिल्म की, जो कि नाम था हेलो ब्रदर, जो कि 1994 में आया था, तो उसी फिल्म का रीमेक जुड़वा है। इस फिल्म के अंदर जो रामबा है, जो रामबा एक्ट्रेस है, उनका जो कैरेक्टर है वो पहले ऑफर किया गया था ममता कुलकर्णी को, लेकिन रामबा ने ममता कुलकर्णी को इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया और वो इस कैरेक्टर की हकदार बन जाती है। और जो रामबा का वॉइस है वो कहीं ना कहीं हमारी जो तब्बू हैं, तब्बू जी हैं, उन्होंने उनकी वॉइस को डब किया था और अपनी आवाज दी थी इस फिल्म के लिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि प्यार का पंचनामा 2 तो आपने देखा ही होगा, और उसमें जो ओमकार कपूर होते हैं वो इस फिल्म के अंदर सलमान खान का जो बचपन वाला फेज होता है वो इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर वो प्ले करते हैं, बचपन का रोल वही प्ले करते हैं ओमकार कपूर। अब मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म का बजट क्या था, कलेक्शन क्या था। इस फिल्म का बजट 6 करोड़ के आसपास था और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 25 करोड़ का कलेक्शन किया था अप्रॉक्स, और इंडिया में इस फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की थी, लगभग 13 करोड़ की कमाई हुई थी इस फिल्म की। तो कहीं ना कहीं और ये फिल्म बहुत ज़्यादा अपने जो बजट है उससे ज़्यादा फिल्म ने कमाई थी, और ये फिल्म आई गेस 1997 की 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म मानी गई थी। और जैसे कि हम सब जानते हैं 2017 में डेविड धवन फिर से जुड़वा 2 लेके आते हैं, जिसमें हमारे वरुण धवन होते हैं, तापसी पन्नू होती है, जैकलिन फर्नांडिस होती है, तो फिर से उस तरीके के, मतलब ये फिल्म को यू नो रिक्रिएट किया जाता है, और इस फिल्म के अंदर हमारे जो सलमान भाईजान है उनका कैमियो भी होता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को जुड़वा अच्छी लगी थी या जुड़वा 2, और क्या कुछ पसंद आया था जुड़वा फिल्म में, सॉन्ग्स कैसे लगे थे, सलमान भाईजान कैसे लगे थे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी थी, और हाँ आपको सलमान खान का कौन सा वाला, जो इनोसेंट और सीधा साधा होता है वो वाला पसंद आया था, या फिर आपको जो गुंडा टाइप होता है बिंदास वाला वो पसंद आया था, मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए।